लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी कि नवाबों के शहर की वो यूनिवर्सिटी जो कि शायद इस देश के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। वैसे तो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई आजादी से कई साल पहले 1920 में। इनफैक्ट 2017 में ही बीटेक का फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है। खैर आज हम जानेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे वेरिड ओपिनियंस हैं स्टूडेंट्स के यहां पर। कोई कहता है कि ये यूनिवर्सिटी एक एवरेज मीडियोकर यूनिवर्सिटी है, कुछ का कहना है कि बड़ी अच्छी है। तो आइए देखेंगे शिक्षा.com पर स्टूडेंट्स अपने रिव्यूज में क्या कह रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ के कोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, इसके अलावा नया क्या क्या है और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई की लिस्ट बहुत लंबी है। फेमस क्रिकेटर सुरेश रैना पास आउट फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, डिंपल यादव वाइफ ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव एंड अ पार्लियामेंटेरियन हरसेल्फ इज आल्सो अ पास आउट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हरीश रावत इज अ प्रोडक्ट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड इंडियन फोक सिंगर मालिनी अवस्थी हैज आल्सो स्टडीड फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, ऐसे बहुत सारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स आपको लखनऊ शहर के कोने कोने में मिल जाएंगी और ऐसे ही एक आइकॉनिक बिल्डिंग है लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस की। ये पुरानी बिल्डिंग है जो कि आपको हिस्टोरिकल वैल्यू की याद दिलाएगी। पूरा कैंपस अराउंड 76 एकर्स में फैला हुआ है। नो डाउट यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है और सारी फैसिलिटीज अंदर मौजूद है, मगर हाइजीन का इशू यहां पर काफी रहता है। यूनिवर्सिटी में रेगुलर मेंटेनेंस एक प्रॉब्लम है। फॉर बीटेक स्टूडेंट्स लैब्स नीड टू बी अपडेटेड, स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। लखनऊ वैसे तो अपने खाने के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ के कैंटीन के खाने की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स ने यहाँ के खाने को एवरेज ही रेट किया है। वाईफाई की कनेक्टिविटी कैंपस में है, मगर स्टूडेंट्स उसको बहुत स्लो बताते हैं और वाईफाई से ज्यादा अपने मोबाइल के डेटा पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही हॉस्टल फैसिलिटी कॉलेज के अंदर अवेलेबल है। रूम का साइज थोड़ा छोटा है तो यहाँ पर आपको स्पेस क्राइसिस हो सकता है। कुल मिलाकर एज अ स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बट स्टूडेंट स्टिल फील दैट देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। 2022 प्लेसमेंट्स के बारे में यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट रिलीज नहीं की गई है, किसी भी तरह का ऑफिशियल डेटा को बाहर नहीं निकाला गया है, बट स्टिल शिक्षा.com पर दिए रिव्यूज में स्टूडेंट्स ने काफी बातों को जाहिर कर दिया है। प्लेसमेंट की बहुत सारी बातें बताई हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्लेसमेंट्स यहां पर अच्छे नहीं है, वेरी लेस नंबर ऑफ रिक्रूटर्स केम टू द कैंपस इन द ईयर 2022 और शायद यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जुट जाते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से जिन बच्चों को प्लेसमेंट सैलरी मिली उनकी एवरेज was around 2 lakh rupees per annum. Highest salary ka bhi hal koi bahut acha nahi hai. Highest salary range karti hai 4.5 lakh rupees se leke 5 lakh rupees ke beech mein. और डिफिकल्टी यहीं पर खत्म नहीं होती, इस प्लेसमेंट को क्लियर करना भी बहुत टफ है। प्लेसमेंट वही बच्चा क्लियर कर पाता है जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं। जनरली एन एवरेज सीजीपीए ऑफ 8.5 गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट प्लेस्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट से यहां पर ज्यादा है, विच इज अराउंड 15%। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को अच्छा बताते हैं, लेकिन कुछ फैकल्टी की शिकायत भी करते हैं और कहते हैं कि वो डेडिकेटेड नहीं है। स्टूडेंट्स ने अपनी रेटिंग में फैकल्टी को दिए हैं 4.1 स्टार्स। Academic life is moderate with 5 to 15 lectures per week. आपको ज्यादा industry visit यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, internship मिलना भी मुश्किल है, but attendance is not a problem here. लखनऊ यूनिवर्सिटी चूंकि यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कोर्सेज की संख्या बहुत ज्यादा है। अ टोटल ऑफ अराउंड 180 कोर्सेज आर हियर। सम ऑफ द पॉपुलर कोर्सेज जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं वो हैं बीटेक, जिसकी फीस आपको अराउंड रुपीज 4.81 लाख देनी होगी फॉर 4 ईयर्स। LLB की फीस यहां पर 11.82,000 रुपीज से लेकर 5.17 लाख रुपीज है 3 से 5 ईयर कोर्सेज के लिए। BSc की फीस रेंज करती है यहां पर 3 साल के लिए 28.22,000 से लेकर 1.15 लाख तक। बाकी के कोर्स डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट शिक्षा.com पर लॉग इन करके तुरंत चेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की कट ऑफ को देखें तो UPSCET में बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए द क्लोजिंग रैंक फॉर द जनरल कैटेगरी वॉज 1,22,951। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहां पे द क्लोजिंग रैंक वॉज 1,57,744। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए द रैंक वॉज 2,17,817। वहीं फॉर MBA द क्लोजिंग रैंक फॉर जनरल वॉज 40। कैंपस लाइफ लखनऊ यूनिवर्सिटी का USP है और यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको काफी सारा चिल टाइम मिल जाता है।
कुछ ना कुछ इवेंट्स, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ये यूनिवर्सिटी में आए दिन होते रहते हैं। यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ही गुलजार रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आसपास के मकानों में ही रेंटेड अकोमोडेशन लेकर रहते हैं। कई सारी खाने की अपॉर्चुनिटीज वहां पर अवेलेबल रहती हैं और चाय की दुकानों पर, फूड स्टॉल्स पर, रेस्टोरेंट्स में कई सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों पर भी आपको डिबेट करते हुए नजर आ जाएंगे। कॉलेज पॉलिटिक्स कई बार एकेडमिक्स पर यूनिवर्सिटी में हावी हो जाती है, जिसके कारण एकेडमिक्स को यहां पर बंद भी करना पड़ जाता है कभी कभी। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, टीचर्स विल नेवर फोर्स यू टू स्टडी हियर। आपका मन है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जाइए, आपका मन है तो क्लासेस अटेंड करिए, आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए। आप अपने घर में भी रह सकते हैं क्योंकि अटेंडेंस यहां पर बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप अपने रूम के कंफर्ट से, आप अपने हॉस्टल के कंफर्ट से ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने लखनऊ यूनिवर्सिटी को क्या रेटिंग दी है। तो 5 स्टार्स में से स्टूडेंट्स ने लखनऊ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल रेटिंग दी है 3.8 स्टार्स की। प्लेसमेंट्स को मिले हैं 3.3 स्टार्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को 3.9, कैंपस लाइफ को 3.9, वैल्यू फॉर मनी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो ये था इलैबोरेट रिव्यू अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स फील फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी। उनका क्या कहना है लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको लगता है कि हमने किसी इंफॉर्मेशन को मिस किया है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से किसी और कॉलेज का रिव्यू प्रेजेंट करें तो प्लीज आप सजेस्ट करिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।